हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं IRF स्टूडियो चैनल। इरफान खान लिखते हैं, कोर्ट का मेज़रमेंट कैसे लेते हैं उस पर वीडियो बनाइए सर। फैजाने यूसुफ भैया लिखते हैं, इरफान भाई आपके कटिंग के हिसाब से मेज़रमेंट लेने का वीडियो भी बनाइए। रतन सिंह लिखते हैं, सर जी आप कोर्ट का मेज़रमेंट लेना बताएं कैसे लेते हो, क्योंकि जो कटिंग आप करते हो वो आपके मेज़रमेंट से ही सही आएगी। हो सकता है आपके और मेरे मेज़रमेंट लेने के तरीके में थोड़ा बहुत फ़र्क हो। मुर्तुजा अंसारी लिखते हैं, सर कोर्ट की नाप और 32 साइज कोर्ट कटिंग का वीडियो अपलोड कीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मैं किस तरह मेज़रमेंट लेता हूँ। मेज़रमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम कोर्ट का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लेंथ का मेज़रमेंट लेंगे। लेंथ का मेज़रमेंट ये जो हमारा थंब है ये दोनों का 20 सेंटर में लेना है। तो इस तरह मेज़रमेंट टेप को रखेंगे और ये हम इनका लेंथ लेंगे। ये देखिए 29 है 29 इंच। उसके बाद हम सेकेंड में शोल्डर का मेज़रमेंट लेंगे। शोल्डर का मेज़रमेंट आपको इस तरह लेना है। देखिए इनका जो शोल्डर है वो है 17.5 17.5 इंच। उसके बाद हम स्लीव लेंथ लेंगे, बाजू का लेंथ लेंगे। थोड़ा सा ऐसे घूम जाइए, जहाँ से हमने शोल्डर ख़त्म किया था यानी जहाँ तक हमने शोल्डर लिया था सेम आपको वहीं से रखना है। आपको उससे एक्स्ट्रा नहीं रखना है, हमारा जो भी एक्स्ट्रा होगा वो कटिंग में होगा। तो स्लीव लेंथ आपको लेना है। देखिए इनका जो स्लीव लेंथ है वो है 24 इंच 24 इंच। स्लीव लेंथ आपको देखिए ये जो हमारा कलाई है इस कलाई का स्ट्रेट में आपको यहाँ तक लेना है। उसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। सीने का चेस्ट का मेजरमेंट आपको इस तरह लेना है। मेज़रमेंट को इस तरह पकड़ना है और ये दो फिंगर देखिए ये जो हमारा दो फिंगर है इस मेज़रमेंट टेप के अंदर आना चाहिए। आपको मेज़रमेंट टाइट भी नहीं करना है मेज़रमेंट टेप और लूज भी नहीं रखना है। तो इस तरफ दो फिंगर हमारा मेज़रमेंट टेप के अंदर रहेगा और आपको इस तरह लेना है। ये देखिए ये 37.5 है 37.5 इंच। उसके बाद हम स्टमक का मेज़रमेंट लेंगे। स्टमक का मेज़रमेंट भी आपको सेम इसी तरह लेना है, दो फिंगर मेज़रमेंट टेप के अंदर रखना है और इस तरह लेना है। ये देखिए 33, आपको लूज़ भी नहीं रखना है मेज़रमेंट टेप को और टाइट भी नहीं रखना है। तो 33 इंच। उसके बाद हम हिप का मेज़रमेंट लेंगे। हिप का मेज़रमेंट भी आपको इसी तरह लेना है। हिप का मेज़रमेंट आपको यहाँ नहीं लेना है, यहाँ बीच में गैपिंग होता है। तो हिप का मेज़रमेंट लेने का सही तरीका यह है कि आप ये देखिए इस तरह यहाँ साइड में इस पोजीशन में लीजिए। इस पोजीशन में क्या है, गोश्त होता है, मांस भरा हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पर मेज़रमेंट टेप से मेज़रमेंट टेप को आपको यहाँ रखना है। तो ये देखिए इनका जो हिप है वो 38 इंच है 38 इंच। यहाँ आपको लूज़ भी नहीं रखना है, टाइट भी नहीं रखना है। जितना बॉडी का मेज़रमेंट है सेम ऐसा ही लेना है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब लास्ट में हम नेक का यानी कॉलर का मेज़रमेंट लेंगे। तो कॉलर का मेज़रमेंट भी आपको इसी तरह लेना है। देखिए दो फिंगर आपको अंदर की तरफ रखना है इस तरह से, लूज़ भी नहीं रखना है, टाइट भी नहीं रखना है। 15 इंच 15 इंच। जिस तरह मैंने आपको कोट का मेज़रमेंट दिखाया है सेम आपको इसी तरह लेना है। अगर इस तरह आप मेज़रमेंट लेंगे और जिस तरह मैंने आपको कटिंग करना दिखाया है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपको कोट का मेज़रमेंट लेकर दिखाया है, अगर आप इस तरह कोट का मेज़रमेंट लेते हैं और मेरे बताए हुए फार्मूले पे कटिंग करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फिटिंग को लेकर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे कर दीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।